जय हिंद। तो अगर आप लोग भी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो तोन की वजह से परेशान हो, मतलब जो पेट लटक रहा है उससे परेशान हो, ज़्यादा चर्बी से परेशान हो, तो कुछ कुछ चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे मतलब रोज़ के हिसाब से जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चेंजेस करते हो तो खुद ब खुद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम तुम्हें बताएं, आप लोगों को बताएं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी कुछ भी खाना खाते हो, दिन की पहली मील से डिनर तक जो भी मील आप ले रहे हो, हर मील में कोशिश ये करो कि प्रोटीन का कुछ ना कुछ सोर्स जरूर हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोर्स उसमें होना चाहिए वेजिटेबल्स का, उसके बाद प्रोटीन का, और उसके सबसे लीस्ट में मतलब सबसे कम जो सोर्स रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट का। अब देखो होगा क्या, जब आप प्रोटीन का अमाउंट पर्याप्त रखोगे हर एक मील में, तो उससे होगा ये कि जब प्रोटीन तुम खाते हो, ठीक है, आप और तुम में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना अपने आप से, जब प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो वो कैलरीज बर्न होने में हेल्प करता है, तो मेंटेन हो जाता है पहली बात। दूसरी चीज, जब प्रोटीन रिच कोई भी फूड खाते हो तो बहुत देर तक पेट को भरा रखता है, और ज़्यादा देर तक पेट भरा रहेगा इसका मतलब भूख नहीं लगेगी, तो कैलरीज कम खाओगे, पहली चीज ये होगी। दूसरा काम ये करना है कि कोशिश करो कि प्लेट जो भी खा रहे हो, ठीक है, उसमें 50% जो प्लेट हो आपकी वो वेजिटेबल से भरी हो, 50% या 40% सिर्फ उसमें वेजिटेबल्स हो। और वेजिटेबल्स बहुत सस्ते आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली आएंगे जो खा नहीं पाओगे, कुछ भी आप कर सकते हो उसमें, टमाटर, गाजर, चुकंदर, पालक, जो भी आपको खाना है वो आप एक 40-50% होना चाहिए, बाकी के 50% में 30% आपका प्रोटीन और 20% आपका कार्ब्स। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है, वेजीज को 50% रखना है अपने हर एक मील में। ठीक है, तीसरा काम आपको क्या करना है कि आप 45 मिनट के लिए, आप ये अपना शेड्यूल बना लो कि एटलीस्ट 45 मिनट के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम केवल रनिंग प्रेफर नहीं करेंगे, तो क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी तोंद है बहुत बड़ी और सिर्फ रनिंग या वॉकिंग कर रहे हो, तो उससे होगा ये कि जब वजन कम होगा तो चर्बी आपकी लटक जाएगी, वो बहुत देखने में भद्दा लगेगा। तो क्या करना है, 45 मिनट का जिम वर्कआउट, या फिर आप मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में भी कर सकते हो, तो 45 मिनट एटलीस्ट वो करना है, लेकिन वो डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथी चीज आपको ये याद रखनी है कि कभी भी जब भी आप रनिंग कंप्लीट सॉरी अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का कार्डियो डेली बेसिस पे जरूर ऐड करो। होता क्या है, जब मसल बिल्डिंग आप फॉलो करते हो, जब आप मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज करते हो कोई भी, तो उसमें मसल जो बिल्ड होती है वो एक तरीके से आपका कैलरी एक्सपेंडिचर का काम करेंगी। मतलब जब बॉडी में मसल्स होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक आपको कैलरीज बर्न करने में हेल्प कर रखती हैं। तो जिस समय आपकी कैलरीज बर्न हो रही है तो आप कार्डियो भी ऐड कर दोगे, तो आप एक्स्ट्रा कैलरीज बर्न कर पाओगे। तो अगला पॉइंट क्या हो गया हमारा, कि जब भी आपका वर्कआउट फिनिश होता है उसके 15 से 20 मिनट बाद तक आपको कार्डियो करना है। ठीक है, आखिरी अगर पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको एक ड्रिंक ऐड कर देनी है चाय के फॉर्म में। अब वो चाहे आप ग्रीन टी पी रहे हो, चाहे वो आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो, चाहे और बहुत सारी अलग जो चाय है वो आती है, वो भी आप पी सकते हो विदाउट मिल्क। हम ये घर टाटा टी अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं, हम आयुर्वेदिक हर्ब्स जो बनती हैं उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक इनमें से कोई भी आप कंज्यूम कर सकते हो डेली बेसिस पे एक। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सबसे बेहतरीन काम। दूसरी चीज, इसमें जो आपको एक पावर एनर्जी मिलेगी उससे जो वर्कआउट करोगे उसमें फोकस ज़्यादा रहने को मिलेगा, तो कैलरीज आप ज़्यादा बर्न कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करके आप जो अपनी तोंद जो लटक रही है उसको ठीक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।